ये सुंदर नज़ारा हमारे घर के बाहर का है। कितना सुंदर गुड़हल का फूल है ना। देखिए मेरी कॉलोनी से जहाँ से हम टहलने जाते हैं ना, उसी रास्ते से टहलने जाते हैं, और जिस रास्ते से टहलने जाते हैं, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं ना, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको हरियाली दिखाई देगा, जंगल ही दिखाई देगा। और यहाँ पे ना जंगलों में बसे हुए जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, जितने जंगली जानवर हैं यहाँ पे आपको सब मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि कोई जंगली जानवर नहीं मिलेंगे। इसी रास्ते से हम सुबह भी टहलने जाते हैं, शाम को। हालांकि ये साफ़ सफाई होगी, लेकिन जैसे ही बरसात बीतेगी तब। आप लोगों को सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। इधर पानी की टंकी लगी हुई है जहाँ से पानी आता है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि आप डिनर में क्या खाती हो। आप लंच तो शेयर कर देते हैं, लेकिन शाम होते होते ना मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। मुझे फटाफट से डिनर बनाना होता है, जो भी कुछ रहता है मेरे घर में, और मैं फटाफट से डिनर 7 बजे के पहले कोशिश करती हूँ। 7 बजे, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक मेरा डिनर हो जाना चाहिए। तो टहल के आते आते ना मुझे थोड़ी सी शाम हो जाती है, तो फटाफट से आके किचन में। देखिए वीडियो शूट करते समय ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कैमरा सेट करना, ट्राईपोड लगाना, बार बार मोबाइल को देखना कि वीडियो शूट हो रही है कि नहीं। जहाँ पे आपको आधे घंटे का काम लग होता है, वहाँ पे आपको घंटों लग जाता है शाम के टाइम। इसीलिए हम वीडियो शूट बहुत कम करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम मुझे फटाफट से ना डिनर बनाना होता है। कभी कभार आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, अगर मेरे पास टाइम रहता है टहलने नहीं गए। आप लोग देखते होंगे जब से हम टहलने जाते हैं ना, आप डाइट करते हैं तब से ज़्यादा टहलते हैं, तो ज़्यादा टहलने के लिए ज़्यादा टाइम होना चाहिए। देखिए मेरा मानना ये है कि मैंने 32 बार फार्मूला तो किया, लेकिन ज़्यादातर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, और मुझे कैसे अपना वज़न कम करना है। बताने का तो बहुत सारे लोग बताते हैं आप इस तरीके से करिए, लेकिन करना आपको क्या है ये आपको सोच के करना है, चलना है, फिर करना है डाइट कम। तो मैंने बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी हैं जो मेरे घर में बनता था, जैसे पूड़ी पराठे, ऑयली छोले भटूरे, रोज़ के रोज़, मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आलू के पराठे, सत्तू के पराठे बनते थे ना, बहुत कम हो गए हैं। कभी कभी 15 दिन में या फिर हफ्ते में बन जाते हैं। बाटी चोखा तो हर हफ्ते बनती थी, छोले भटूरे बहुत, मतलब ऐसे सारी चीज़ें ऑयली हमने बहुत कम कर दी है अपने घर में बनाना। टिक्की फुल्की चाट के शौकीन थे, मार्केट से खाते खाते थे, लेकिन घर पे बनाने से बाज नहीं आते थे, मतलब इतना शौकीन थे सारी चीज़ों खाने का। तो कहने का मतलब, अगर सारी चीज़ों पे कंट्रोल लगाएंगे, वॉक ज़्यादा करेंगे, खाना कम खाएंगे, खाने में भी हमने आटा छोड़ रखा था, गेहूँ का चावल छोड़ रखा है, मक्की की रोटी खाते हैं, कभी कभार आलस आ गया तो नहीं बनाते हैं। तो अगर आप डाइट में अपने अच्छी डाइट ले रहे हैं, वॉक कर रहे हैं रेगुलर सुबह शाम, आप लोग देखते होंगे मेरी वीडियो में मैं दोनों टाइम वॉक करने जाती हूँ, मतलब कभी मिस नहीं करती। ऐसा कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन मुझे मार्केट वार्केट जाना हो, तभी हम नहीं टहलने जाते, बाकी मैं डेली जाती हूँ। घर में चाहे जितने काम होते हैं, मैं उन सारे कामों को स्टॉप करके, छोड़ करके, मैं टहलने के लिए अपने टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ। तो आप लोग बताइए, मतलब गर्म पानी पीती हूँ ना, हमने कभी ग्रीन टी पी है ना, मतलब बाहर से कोई चीज़ें ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगाई है वेट कम करने के लिए। यहाँ तक कि हमने वज़न करने के लिए मशीन भी नहीं मंगाई, किसी दूसरे के यहाँ अपना वज़न कराते हैं। देखो अब आप लोग पूछते हैं वज़न करके बताइए, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कभी कभी चले जाते हैं जो है वज़न करने, रोज़ रोज़ नहीं करते। ज़्यादा हम पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते अपने वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वज़न कितना है, मुझे कितना कम करना है। मुझे ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है जो कपड़ों में, कि कौन सा कपड़ा मुझे फिट आ रहा है, कब कौन सा फिट आ रहा है, उसी अंदाज से हम अपना वज़न जान लेते हैं। वैसे वज़न हमने किया था, जब हमने शुरू किया था तो मेरा 95 था, मुझे थायराइड था, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला थायराइड था, मुझे 75 mg की गोलियां लगती थी, धीरे धीरे 50 हुई, धीरे धीरे जैसे जैसे हमने अपना वज़न कम किया ना, वैसे वैसे हमारी जो थायराइड की गोलियों का डोज होता है ना, वो भी कम कर किया गया। नहीं तो पहले जब 95 था तो मतलब कि ज़्यादा पावर की दवाई दी जाती थी, लेकिन अब जब वज़न कम है तो दवाइयाँ भी ज़्यादा कम पावर की होती हैं। तो कहने का मतलब है, आप ज़्यादातर आप खुद से ध्यान दें कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे अपना वज़न कम करना है। ज़्यादा आप वेट लॉस जर्नी में अपने फालतू के पैसे ना वेस्ट करें ग्रीन टी मंगा के, ये सब दुनिया भर का। आप घर की चीज़ें हेल्दी खाएं, सब्जी खाएं, फ्रूट खाएं, दूध खाएं, दही खाएं, स्प्राउट खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, और घर का बना हुआ दाल खाएं, हरी सब्जियां बना के खाएं कम तेल में। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप बॉयल्ड सब्जियां भी खा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खाएं, जिस तरीके से हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो खाते हैं, जो करते हैं, पूरा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
लेकिन फिर भी आप लोगों के वही कमेंट होते हैं डिनर में क्या खाते हो। डिनर में वही खा लेते हैं जो कभी करेला रोटी बनता है, कभी दाल रोटी बन जाती है, कभी दाल चावल बन जाता है, कभी सब्जी रोटी बन जाती है, और कभी नहीं बनता है तो दूध रोटी खा लेते हैं। अगर कभी दूध भी नहीं है तो अचार रोटी खा लेते हैं। हाँ, खाते उतना है जितना मुझे भूख है, एक रोटी डेढ़ रोटी जितना हम खा पाते हैं, साथ में सलाद ले लेते हैं। तो देखिए टहलना हो चुका। आप लोग पूछते हैं डिनर में क्या बनाते हो, तो देखो आज हम दाल चावल बनाएंगे। अरहर की दाल हमने धुल के कुकर में रखी है, इसमें हल्दी नमक डालेंगे, कुछ भी कोई मसाला तेल इसमें नहीं जाएगा, सिंपल दाल चावल। क्योंकि जो हमने सुबह में सब्जी बनाई थी, भिंडी चटनी बनाई थी, वो सब बच चुकी है, तो इस टाइम सिर्फ दाल चावल बनाएंगे। रोटी भी बची है, सब्जी भी बची है, चटनी भी बची है, तो सब मिला के खा लेंगे। और यहाँ पे आजकल पाउच वाला दूध दही आ रहा है, तो इन सबको इनको धुल लिया है पाउच को और खाली कर रहे हैं। आप लोग पूछते हैं दूध कौन सा पीते थे, देखो भैया पहले गाय का दूध आता था तो गाय का पीते थे, अब पैकेट वाला आ रहा है तो पैकेट वाला पी लेते हैं। कोई कुछ भी कहे कि आपका दूध दही से मोटापा कम नहीं होगा, अब मुझे दूध की आदत है, मुझे एक आदत सी बन गई है, जब तक मैं दूध नहीं पीती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे भूख सी लगी है, पेट नहीं भरा है, चाहे वो सुबह के टाइम हो चाहे शाम के टाइम हो। सुबह एक गिलास एक कप, शाम के टाइम आधा गिलास एक कप। तो दाल यहाँ पे पक चुकी थी, दाल खाली करके हमने कुकर धुल लिया है, उसी में चावल डाल देंगे। तो देखिए सिंपल सा हमारा डिनर बना है, हम सब यही खाते हैं। हम सब भी आप सबकी तरह हैं, कोई बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली हैं हम लोग भी। तो देखिए इतना हाई फाई अपना वेट लॉस करने के लिए पैसे वेस्ट करेंगे। देखिए वेट लॉस आपका हो जाएगा, बस आपको कंट्रोल करना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपके इरादे पक्के होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, आपको 32 बार चाव करके खाना चाहिए, तो आपका वेट लॉस होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए अब मिसाल तो हम आप ही हैं, आप हम ही हैं आप लोगों के सामने, 95 की कितनी सारी फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर की, आप क्या करें बताइए। आप लोग मतलब कैसे साबित करें कि मेरा वज़न कम हुआ है, आप लोग देख नहीं सकते, मतलब पहले की फ़ोटो अब की फ़ोटो में, और फिर पहले के कपड़े जो मुझे ट्रिपल एक्सल लगते थे वो अब एक्सल लगते हैं, या फिर एक्सल से धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो और क्या सबूत दें आप लोगों को मुझे तो नहीं समझ आता है। आप लोगों के कमेंट अगर आएंगे तो फिर मैं फिर बताऊँगी। अच्छा एक चीज़ आप लोग और पूछते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आज तक हमने हाइट नापी ही नहीं है कितनी है, लेकिन आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं ना, तो मैं कल ही इंची टेप लेके अपनी हाइट नापूंगी, मेरा हाइट कितना है, शायद मैंने कभी किया भी होगा तो मुझे याद नहीं है मेरी हाइट कितनी है। बस मुझे वज़न पे कंट्रोल करना था, दिन रात मैं इसी के बारे में सोचा करती थी कि मेरा वज़न कैसे कम होगा, मुझे कैसे कम करना होगा, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। जब से वज़न कम हुआ है ना, आप लोग देख सकते होंगे कि वीडियो में दिन रात काम, घर के काम, ऊपर से टहलने का काम, अपने लिए अलग से खाना पीना बनाना, परिवार के लिए अलग से करना, तो ये सब ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं अगर आप कहेंगे ना। ऊपर से जब से यूट्यूब आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, मुझे पसंद करना शुरू कर दिया, तब से डेली के डेली वीडियो बनाना, शेयर करना आप लोगों के साथ, तो सोचो कितना काम रहता होगा मुझ पर, फिर भी अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो शाम के टाइम ही देख सकते हैं ना, खाना खाने के बाद दाल चावल थोड़ी सी सब्जी चटनी ली थी, उसके बाद आधा कप दूध लिया है, तो ये हो चुका हमारा डिनर रात का। सो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 9:30, और अभी अभी दूध फिनिश किया, फेस धुला है, बस एलोवेरा जेल लगाएंगे और बस सो जाएंगे। नींद बम्पर आ रही है, बम्पर वाली नींद आ रही है, सारे काम हो चुके हैं फिनिश। रात के टाइम आप लोग पूछते हैं क्या खाते हो, तो भाइयों बहनों माताओं दीदियों बुआ मौसी जो भी आप लोग पूछते हो, जो भी हो, मुझसे बड़े हो, मुझसे छोटे हो, भैया हो, दीदी हो, जो भी हो, तो जो मेरे घर में बनता है वही खाते हैं। दाल चावल बनता है, रोटी सब्जी बनती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि गेहूं की रोटी से वजन बढ़ता है, क्योंकि अब कुछ दिनों से ना गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो मुझे अंतर लग रहा है। अभी वजन करेंगे किसी दिन तो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि फेस भी थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है, इसलिए आज ना मक्के की रोटी हमने बनाया था, मक्के की रोटी बनाना फिर से खाना शुरू कर दिया है। मक्के का आटा रखा है, आलस आलस में नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं, आलस आलस के चक्कर में ना जो घर में बन रहा है, कभी पकौड़ी बन रही है, कभी कुछ, देखो ज्यादा तो नहीं खाते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ज्यादा तो नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं असर करता है। जिसको थोड़ा बहुत भी शरीर में लगता है खाना पीना ना, उसको असर कर देता है, और जिसको भाई जो तो पतला है वो कुछ भी खाए कितना भी खाए उसको असर नहीं करना है, तो आप थोड़ा खाए ज्यादा खाए उसको कोई असर नहीं करता। लेकिन हाँ जिसको मोटापा होता है ना, उसको थोड़ा सा भी ऑयली खा ले या फिर कुछ चीजें खा ले तो उसको तुरंत लगने लगता है। वही हाल मेरा है कि अगर हमने कुछ खाया पिया है तो तुरंत शरीर को लगने लगता है। तो आज की इस वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भतमाल ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, और हाँ अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे छोटी समझ के माफ कर देना। अगर आप लोग बड़े हैं और छोटे हों तो भाई प्यार समझ के माफ कर देना।
देखिए, क्योंकि कोई चीज परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती हो ही जाती है, या फिर आप लोगों को मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि क्या बताएं। आजकल काम कुछ ज्यादा हो चुका है तो आप लोग कमेंट की रिप्लाई बहुत कम दे पा रहे हैं। देखिए, काम बढ़ जाता है, रोज रोज की घर के काम करना, फिर टहलने जाना, फिर वीडियो बनाना रोज डेली, फिर वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना, आप लोगों तक टाइम से पहुंचाना, काफी ज्यादा मेरे ऊपर काम बढ़ चुका है। इसलिए अगर आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो आप लोग एक दिन या दूसरे दिन तक वेट कर लिया करिए, आप लोगों की रिप्लाई जरूर पहुंचेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप लोगों की रिप्लाई करूंगी। और लेकिन हाँ, आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर देना। देखिए, एक लाइक से कुछ नहीं होता, सिर्फ मुझे इतना पता चलता है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देखते हैं, तो उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप लोगों को वीडियो सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का जब भी हम अपलोड करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि। एकदम से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 32 बार चबा करके खाना खाते रहिए, और हाँ, हमेशा 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 हंसते रहिए, क्योंकि चेहरे की स्माइल ना कभी जानी नहीं चाहिए, दर्द कितने भी हो। आज मुझे कितना दर्द हुआ, कभी कभी मतलब इतना दर्द होता है कि क्या बताएं, लेकिन हाँ, चेहरे की स्माइल को नहीं जाने देते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मेरे चेहरे पे आई है। एक हंसी ही तो है चेहरे पे जो हमेशा बनी रहनी चाहिए, बाकी तो दुख तकलीफ सभी के घरों में होता है, सभी के ऊपर पड़ता है, लेकिन उन दुख तकलीफों से जो सीख ले जीना और जो सीख ले हंसना, वही असली जिंदगी होती है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।